Alright guys, but actually nothing is going alright in Maharashtra. हो क्या रहा है? Let me tell you, यही क्राइम की सी और स्टेट में हो जाता जहां पर इनकी फेवरेट पार्टी नहीं है तो गोदी मीडिया अपने कपड़े फाड़ लेता और चीख चीख के पूछता कि 6 महीने पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे अरे बिश्नोई बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल. एंड देन दिस हैपेंड. देयर इज वन क्वेश्चन, दैट वन क्वेश्चन दैट मीडिया शुड आस्क. गोदी मीडिया तो कहानियां बना रहा है, वो आप सब देख ही रहे हो, पर वो एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा है. क्या? एक बंदा जेल में बैठ के सब कुछ ऑपरेट करवा रहा है. गोदी मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सारी बातें हो रही है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि एक कर कैसे रहा है. मैं हैरान हूं जी. इस और कर दो कैमरा, समझ रहे हो? इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड. और जब भी कुछ बुरा होता है उस पर जहालत दिखाने के लिए गोदी मीडिया आ जाता है. दलाल, आई मीन द गूफ अप्स दैट गोदी मीडिया मेड, दे वर पैथेटिक. अबे दिन दहाड़े रात को गोली कौन मारता है? नो सीरियसली, दैट इज द हेडलाइन. और ये ट्वीट अभी भी लगा होगा शायद, दे ऑल वर इन टीआरपी रेस, जो मन में आता है लिख दो. और उसको पोस्ट होने के बाद उसको डिलीट भी नहीं कर रहे. एंड दे वर ब्रेकिंग न्यूज, दे आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट नो चैनल वॉज आस्किंग कि 6 महीने पहले ही मिस्टर सलमान खान के घर पे किसी ने गोली चलाई थी. 4 राउंड फायरिंग की जो खबर है वो सामने आई है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर एकनाथ शिंदे सेड दिस. महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल. एंड आफ्टर दैट दिस इज हैपनिंग, नो न्यूज चैनल वॉज आस्किंग दिस. उल्टे पुल्टे ग्राफिक्स दिखा के टाइम वेस्ट कर रहे जनता का. ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए था कि 6 महीने पहले ये कहा गया था और 6 महीने के बाद ये हो जाता है. मतलब लोग सच में सवाल कर रहे हैं कि ये तो आपके अपने नेता थे, आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और फिर ये हो जाता है. मतलब आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पा रहे हो, आम आदमी, मतलब सीरियसली. एंड ट्रस्ट मी, दिस विल इम्पैक्ट दिस टाइम सिलेक्शन. आप बहुत गहराई से देखोगे तो यहाँ भी गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम किया है. अंजना जी इधर देखिए. हाँ. आप तो एक सवाल पूछ लेती, आपके चैनल पे कैसे ग्राफिक चल रहा है? चेक आउट दिस ग्राफिक, व्हाई देयर इज अ नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, बंद करो भाई, बंद करो. ये कोई गुंडे आपस में नहीं लड़ रहे थे, एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि था, उसको गोली मारी गई है. और ये इसकी शक्ल देखो, ये जो गोली मार रहा है किसी लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सेलिब्रिटी से मिल रही है किसी. एंड पीपल लाइक यार, ये रविंद्र जडेजा का स्केच तो मत बनाओ. सच्ची, देयर वाज नो नीड ऑफ दिस ग्राफिक, पैथेटिक दैट वाज. एंड व्हाइल शोइंग दिस ग्राफिक ही सेइंग कि 3 लोगों ने गोली मारी. जस्ट लिसन टू दिस. 3 ये हत्यारे थे, ये 3 अपराधी हैं, 3 बदमाश हैं. कौन है तीसरा आदमी, कौन इधर? एंड वेट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. Is he talking about the shadow? मैं हैरान हूँ जी. मतलब अगर आप गोदी मीडिया देखते हो तो आपको इतना अंधा हो जाना पड़ेगा कि आपको एक परछाई में भी एक बंदा देखना चाहिए. And seriously, this is the picture of the ambulance. तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल बाबा सदीकी को पहुंचाया गया. Just look at this picture and precisely look at the driver. Just look at the driver's face. ये क्या भाई चला रहे? Seriously यार, कुछ भी कर रहे हो, अरे थोड़ा टाइम लगाओ, अच्छा ग्राफिक बनाओ. मतलब आई मीन रिस्पेक्ट द डेड पर्सन एट लीस्ट. व्हाट काइंड ऑफ ग्राफिक इज दिस? सांसद रहे, मंत्री रहे, कोई भी न्यूज चैनल आपको ये सवाल पूछने देखा? उल्टा कुछ अजीब ही चल रहा है न्यूज चैनल्स पर. या दिस गाय एंड ये सुदर्शन न्यूज पे, जैसी करनी वैसी भरनी, इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसे हत्या कहा जाए या वध करार दिया जाए? सीरियसली यू सेइंग दिस व्हेन द ओनर ऑफ दिस न्यूज चैनल वाज पोजिंग लाइक दिस? इस मर्डर के बारे में हर जगह बात चल रही है सोशल मीडिया, ऑन न्यूज चैनल्स, बट कुछ चीजें बड़ी चौंकाने वाली है कि इसकी प्लानिंग 2022 से पटियाला जेल से हो रही. यस, मोहम्मद जिशान अख्तर, दिस गाय, ही मेट द पीपल ऑफ बिश्नोई गैंग इन पटियाला जेल. And then they did the entire planning. And this guy, Mohammad Zishan Akhtar, he planned and arranged everything. जो shooters आए थे उनको कहाँ रखना था, उनको हथियार दिलवाना, logistic provide कराना, everything he did. ये सब जब हो रहा था तब किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? I mean, ये सारी planning हो रही थी 2022 से, 6 महीने पहले शिंदे साहब ये कह रहे थे अरे बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंटायर ट्रेजेडी देयर आर सो मेनी थिंग्स. अभी तक गोदी मीडिया ने ये खबर दिखा के इस लोगों के सिर दर्द कर दिए हैं, बिना बात के ग्राफिक्स, बिना बात का ढीठ ढाढ़ू. पर और भी खबरें हैं जो देश में हुई है,
हमारे देश के पूंजीपतियों से लेकर कहीं पर ड्रग्स मिले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश में एक चीज बढ़ती चली जा रही है, वो है इनकम इनइक्वालिटी। इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि इतनी तो ब्रिटिश एरा के टाइम भी नहीं थी। यस, आज कुछ लोग बहुत खुश हुए, शायद थोड़ा गोदी मीडिया भी हो रहा होगा, और अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा भी लगता है कि तीन भारतीय ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। दो नाम तो आप जानते हैं सदा, एक और नाम जुड़ गया है, सावित्री जिंदल। और ये भी कहने में आ रहा है कि 2019 से अब तक इनकी वेल्थ डबल हो गई है। ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन ये आता है कि चलो इंडिया का नाम कर रहे हैं लोग, पर देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है। इस बात पे डिटेल में बात हम जरूर करेंगे कि देश के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है और जो बॉटम का 50% है उसके पास सिर्फ 15%। ये एक बहुत चिंता का विषय है। ये जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस पर सवाल होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। आम आदमी टैक्स के बोझ तले दबता चला जा रहा है और ये सब कुछ होता है, और उसके बाद अंबानी जी का बेटा शादी करता है और हम उसके फोटो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, रील्स भी बनाते हैं और सब कुछ चलता है। दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग सिचुएशन, देश संकट में है। ऑल्सो वन मोर अलार्मिंग सिचुएशन, ड्रग्स से नो टू ड्रग्स, यूथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे इस पार्टी का हाथ हो या उस पार्टी का हाथ हो। दिल्ली में ड्रग्स पकड़ में आई थी, सारे गोदी पत्रकारों ने उछल उछल के कार्यक्रम किए थे, आपा पापा जी की हमने तो आपको बिट भी सुनाई थी। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का पकड़ा जाना एक सीरियस इशू है। वी सेड वेरी गुड सर, ड्रग्स समाज के लिए अभिशाप है, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। इसके सप्लायर का कांग्रेस से कनेक्शन मिलना और भी गंभीर बात है। पर अभी खबर आई है कि 5000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए गुजरात में, लेकिन कोई गोदी पत्रकार उछल उछल के कार्यक्रम करता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं हैरान हूं जी, और सच में चिंता का विषय है। मेन मीडिया ही रिपोर्ट नहीं कर रहा है। दलाल, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, लेट्स कम बैक टू दिस हॉरिबल क्राइम हैपेंड इन मुंबई। बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीजें चल रही थी कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, दी भी है कि नहीं दी है। जिस मर्डर हुआ उसे सिर्फ एक कांस्टेबल साथ था, ऐसा कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात, जिन शूटर्स को पकड़ा है उनकी हिट लिस्ट में बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी है। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग कि लोग किस लेवल पे जाके प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कितनी बड़ी हुई है। और 6 महीने पहले शिंदे साहब ये कह रहे थे, अरे बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल। एंड इफ यू रिमेम्बर दीज विजुअल्स, दो नेताओं के गुट आपस में लड़ लिए थे, गोलियां चल गई थी पुलिस स्टेशन के अंदर, एंड वन पॉलिटिशियन गॉट किल्ड इन फेसबुक लाइव। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको देखना न्यूज चैनल वाले उलझा रहे हैं अलग अलग चीजों में, दलाल, एंड जनता 24/7 इसी कचरे को कंज्यूम कर रही है, एंड दैट इज सो सैड। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन लाइक दिस, एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू वॉच इट मोर प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना, अरे बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग।